हेलो स्टूडेंट, आज जो अपनी क्लास है नेक्स्ट वाली, ये कौन सी क्लास है? तो ये क्लास है अपनी हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है ना? हिस्ट्री या इतिहास। तो हिस्ट्री की आज जो क्लास है, क्लास कौन सी है? थर्ड है क्लास, ठीक है ना? क्लास थर्ड के अंदर हम लोग क्लास सेकेंड के अंदर देखा था, फर्स्ट के अंदर क्या देखा था उन्होंने कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है और क्या क्या है, ठीक है? क्लास सेकेंड में देखा था उन्होंने, क्या देखा था? सिंधु सभ्यता के बारे में, कि सिंधु सभ्यता कितने एरिया पर फैली हुई है, इसका पूर्वी स्तर कहाँ है, पश्चिमी कहाँ है, दक्षिणी कहाँ है, उत्तरी कहाँ है, ठीक है? चलो, इसके बाद सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, तो ये भी हम लोगों ने देखा। क्यों बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। इसी वजह से इसके पहले स्थल के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास आज जो हम लोग देखेंगे, तो सिंधु सभ्यता के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो कौन सा देख लिया था हम लोगों ने? हड़प्पा देख लिया था और देख लिया था एक और चन्हुदड़ो, ठीक है? इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा था। एक बार मैं 2 मिनट रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता लगभग कितने एरिया पर फैली हुई थी? तो 13 लाख किलोमीटर² पर फैली हुई थी। इसके पूर्वी पश्चिमी उत्तरी की जो ट्रिक मैंने बताई थी वो कौन सी बताई थी? सम बराबर एड, कल वाली जो क्लास में, ठीक है ना? तो जो लोग भी ये क्लास देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट और सेकेंड देखे, तभी जाके उनको ये समझ में आएगी, अन्यथा यहाँ से हो सकता है आपको डायरेक्ट कुछ नहीं भी समझ में आए थोड़ा बहुत, ठीक है ना? सम बराबर एड से क्या था? सूत कांगेडोर, म से मांडा, ए से आलमगीर और डी से दास। फिर इसी की ट्रिक थी ड छ पर भारत में नहीं, ड छ पर भारत में नहीं, भारत में नहीं, यही ट्रिक थी कल जो बताई थी मैंने, ड छ पर भारत में नहीं। इसमें क्या बोला था कि सूत कांगेडोर किस नदी किनारे? दाश्क नदी के, मांडा चिनाब नदी, ए से आलमगीर हिडर नदी और दायमाबाद प्रवरदा या गोदावरी नदी, ठीक है ना? कल ये देख लिया था। इससे बाद देखा था कि हड़प्पा में मेन मेन कौन से स्थल मिले थे, तो हड़प्पा के मेन मेन आप लोगों ने कितने 10 से 11 स्थल देखे थे। 10 से 11 में क्या क्या मिला था? तो यहाँ पे जैसे कुमार की चाक हो गया, ठीक है ना, मातृ देवी की मूर्ति हो गया, अन्नागार हो गया, श्रमिक आवास हो गया, ठीक है? इसी के साथ कुछ ना कुछ अपनों ने चीज़ें देखी थी जो हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान पाई गई थी, ठीक है? चलो, उसके बाद नेक्स्ट हमें चन्हुदड़ो जो देखा था, चन्हुदड़ो के बारे में भी देखा था कि चन्हुदड़ो किसने खोज करी थी, ठीक है? गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज करी थी, ठीक। इसी के बाद में किस नदी किनारे था, तो ये किस नदी किनारे था? सिंधु नदी के। कहाँ पर है ये? तो वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है? चलो, इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना? नेक्स्ट तो मैं इधर लिख देता हूँ, पहला कौन सा हो गया अपना? हड़प्पा, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेकेंड कौन सा देखा हम लोगों ने? चन्हुदड़ो। कौन सा देखा? चन्हुदड़ो, ठीक है ना? चन्हुदड़ो। थर्ड जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा है? सिंधु सभ्यता की जो स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। चौथा जो देखेंगे हम लोग वो कौन सा देखेंगे मोहनजोदड़ो के बाद? तो वो देखेंगे रोपड़, ठीक है। पांचवा जो देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? सिंधु सभ्यता का स्थल है बनवाली, ठीक है, बनवाली। इसी के बाद छठा जो देखेंगे, छठा कौन सा है? तो छठा देखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है, छठा कालीबंगा। सातवां जो इसी के अंदर जो कुछ क्षेत्र देखेंगे वो देखेंगे सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर या सूत कांगेडोर, ठीक है। इसी के अंदर आठवां जो देखेंगे वो देखेंगे कौन सा देखेंगे? तो वो देखेंगे अपन लोथल, ठीक है। और क्या देखेंगे? रंगपुर, ठीक है। इसी में कुछ और याद आ गया जाएगा तो वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। चलो, तो हड़प्पा देख लिया, चन्हुदड़ो देख लिया, अब नेक्स्ट जो बारी है वो किसकी है? मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो देखेंगे वो मोहनजोदड़ो के बारे में क्या है कि मोहनजोदड़ो खुदाई किसने करी और इसकी मेन मेन क्या विशेषता है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में। तीसरा जो पुरातत्विक स्थल है उसका नाम क्या है? मोहन जोदड़ो। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से क्या क्या खुदाई के दौरान मिला और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। मोहन जोदड़ो का जो मेनली अर्थ है, मोहन जोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला, ठीक है ना? मृतकों का टीला किसे बोला जाता है? यानी मोहन जोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई जो करी थी वो करी थी 1922 में हुई थी। और ये किसने करी है? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने करी थी, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में, यानी वर्तमान में तो पाकिस्तान में, लेकिन किस नदी के किनारे है? तो वो है
सिंधु नदी किनारे, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। ठीक है चलो, अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिली और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, तो आप लोग इसे पॉइंट बना के भी याद कर सकते हैं जैसे आपको उचित लगे। ठीक है चलो देखो, मोहनजोदड़ो का जो मिल्य अर्थ होता है वो क्या होता है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मृतकों का टीला यानी लाशों का ढेर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि लाशों का ढेर, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाशों का ढेर सिंधु सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो किस स्थल से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहाँ से जो दो फेमस चीज़ें मिली और क्या क्या मिली, तो यहाँ से एक विशाल अन्नानागार मिला। क्या मिला है, विशाल अन्नानागार, अन्नागार। ठीक है देखो, हड़प्पा जब हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा में भी एक अन्नागार मिला था, लेकिन वो उतना प्रसिद्ध नहीं जितना मोहनजोदड़ो वाला, क्यों, कि ये जो विशाल अन्नागार था ये सिंधु सभ्यता में अभी तक जितने भी स्थल मिले थे उनमें सबसे बड़ी इमारत थी एक तरह से, ना इमारत की बात करें तो। क्या आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या सबसे बड़ा कौन सा था, तो कौन सी इमारत थी सबसे बड़ी, तो विशाल अन्नानगर। किस स्थल में पाए गए, तो कहाँ में पाए गए, मोहनजोदड़ो में। देखो अन्नानगर हड़प्पा में पाए गए लेकिन फेमस कहाँ वाले थे, मोहनजोदड़ो वाले। ठीक है, इसी के पास साथ क्या पाया गया, स्नानागार भी पाया गया। ठीक है, स्नानागार भी पाया गया। इसी के बाद बात करें तो यहाँ पर पुरोहित आवास भी पाया गया है। क्या पाया गया, पुरोहित आवास पाया गया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना है क्वेश्चन की, यहाँ पे वन बाय वन करके पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा कर। ठीक है देखो, यहाँ क्या मिला है, पुरोहित आवास। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में कौन सा आवास मिला था, श्रमिक आवास मिला था, और यहाँ कौन सा आवास मिला है, पुरोहित आवास। हड़प्पा में अन्नागार भी मिला था लेकिन फेमस वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, विशाल अन्नानागार कहाँ पाया जाता है, हड़प्पा के किस स्थल में पाया गया है, तो किस में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो की स्थापना कभी 1922 में हुई, किसने करी, राखलदास बनर्जी ने करी। किस नदी किनारे, सिंधु नदी के। इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। लाशों का ढेर कहाँ पाया गया है, तो कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो। ठीक है चलो, इस ढेर पुरोहित आवास। इसी के साथ में और की बात करें, देखो पुरोहित वगैरह की बात करें तो ये क्या मेनली पुजारी हो, है ना, पूजा करने वाले, तो पुरोहित आवास पाया गया। तो पुरोहित का कि कैसे ना कैसे भगवान की पूजा तो करेंगे, तो यहाँ पे पशुपति शिव पाया गया। क्या पाया गया, पशुपति शिव की मूर्ति। ठीक है ना, तो पशुपति शिव भी कहाँ पाए गए, मोहनजोदड़ो में पाए गए। जिस प्रकार हड़प्पा में हमने देखा था क्या माता देवी की मूर्ति पाई गई थी, उसी प्रकार यहाँ पर काशा की मूर्ति मिली है एक नर्तकी की, नाचती हुई, नाचने वाली। ठीक है ना, जो नर्तकी होती है, ठीक है ना, उसकी जो मूर्ति मिली गई, कांसे की मूर्ति। मूर्ति किस धातु की बनी हुई है, कांसे की मूर्ति बनी है, और किसकी बनी है, नर्तकी। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली अपने को, वो भी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, इसी के बाद बात करें तो और क्या क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। क्या मिले, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है, तो यहाँ तांबे का ढेर मिला है। देखो तांबे का ढेर मतलब कैसे है? कि अपनों ने जो देखा था पाषाण काल जब हम पढ़ रहे थे उसमें देखा कि मानव द्वारा यूज में लाई गई या प्रयोग में लाई गई या सब मानव द्वारा यूज पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। और जैसे जैसे क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का काल आया तो तब तांबा तो मिल गया था। ठीक है ना, अब ये जो सिंधु सभ्यता वाला था इसमें कांस्य की खोज हो गई थी। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो जब कांस्य का इसमें ज़्यादा से यूज हो रहा था तो इसमें तांबे की इतनी वो नहीं है, तो तांबे के क्या है, ढेर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो तांबे के ढेर, देखो ढेर से कितने याद रख सकते हो, मृतका का टीला ये भी एक तरह से ढेर ही हो गया, लाशों का ढेर वो भी क्या हो गया, टीले हो गया, और तांबों का ढेर ये भी क्या हो गया, टीले हो। उसी प्रकार से याद रख सकते हो। यहाँ क्या क्या पाया गया, विशाल अन्नानगर और स्नानागर पाया गया, पुरोहित आवास पाया गया, तो इससे आप रिलेटेड के याद रख सकते हो, पुरोहित जी काय की पूजा करेंगे तो भगवान शिव की। ठीक है, और क्या क्या पाया गया, तो काशी की नृत्य की पाए गए। ठीक है, इतनी बातें अपने को मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखनी है। चलो, और किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। ठीक है चलो, यहाँ तक आया समझ में सभी को, नेक्स्ट बढ़े। मेनली सिंधु सभ्यता की जो मेन विशेषता थी वो क्या थी, एक तो ये नगरी सभ्यता थी। ठीक है, नगर नियोजन की जो प्लानिंग थी वो बहुत बेटर बढ़िया थी। इसकी जो सड़कें वगैरह थी वो क्या है, बिल्कुल समकोण वगैरह पे काटती थी। इसके जो बिल्कुल जितने भी शहर वगैरह थे तो इसमें क्या होता था कि जो सड़कें होती बिल्कुल व्यवस्थित बनी होती, ऐसी नहीं कि इधर से सड़क उधर जा रही, इधर से इधर जा रही, ऐसा वैसा, यानी बिल्कुल समकोण वगैरह पे काटती, बिल्कुल व्यवस्थित प्रॉपर। ठीक है, पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर कर रखी थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता कि मोहनजोदड़ो में जितनी भी सड़कें वगैरह बनी थी, तो ये जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ वाले जो शहर की जो सड़कें थी वो सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें थी। क्या थी, सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें थी।
तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो सबको पता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में क्या है, नगर नियोजन नगरी सभ्यता थी, है ना। नगर नियोजन बहुत बढ़िया प्लानिंग वगैरह करके बनाया गया था। यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी जल निकासी बहुत व्यवस्थित बनाई गई थी, ठीक है। इसके जो जितने भी नगर वगैरह थे, स्थल वगैरह था, इनके जितने भी गेट वगैरह खुलते थे तो वो सड़कों के मेन सड़कों पर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन इसमें जो जितने भी स्थल वगैरह थे उसकी जो सड़कें थी उसमें सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें कहाँ की थी, तो वो थी मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में आपको इतनी बातें याद रख रही है, चलो याद रहेगा। चलो देखते हैं इसके बाद, ये वाला आपने देख लिया, हड़प्पा वाला देख लिया, चन्हुदड़ो देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट रोपड़ पर, कि रोपड़ की क्या विशेषता है और किसने क्या इसकी खोज वगैरह करी, ठीक है। चलो तो कौन सा स्थल है ये, रोपड़। चौथे नंबर का कौन सा है, रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के। वर्तमान की बात करें तो रोपड़ जो वर्तमान है वो किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। खोज किसने करी इसकी, तो इसकी खोज करिए यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने करिए, यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ से जो जो मेन मेन है इनके, तो आपको खोजकर्ता वगैरह कहाँ है क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो रोपड़ कहाँ पाए, वर्तमान में रोपड़ की स्थिति कहाँ है, तो कहाँ है वर्तमान में, पंजाब वाले क्षेत्र में। किस नदी के किनारे था ये, तो किस नदी के किनारे था, सतलज नदी के किनारे था। इस खोज किसने करी, तो यज्ञदत्त शर्मा। इसकी जो मेन विशेषता है वो क्या विशेषता है, इसकी जो मेन विशेषता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा था कि पूरा पाषाण काल वगैरह में देखा था, बुर्ज होम एक स्थान देखा था, वहाँ पे क्या था कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की परंपरा थी, तो उसी प्रकार यहाँ के जो साक्ष्य वगैरह मिले खुदाई के दौरान, तो यहाँ पर भी वो के वही साक्ष्य मिले। क्या मिले, मानव के साथ में, मानव प्लस कुत्ते को एक साथ दफनाया गया, मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया। ये साक्ष्य अपने को कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, रोपड़ से मिले। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी वगैरह नहीं है। नेक्स्ट वाला जो है रोपड़ के बारे में आपको इतनी ही जानकारी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस नदी किनारे, कहाँ पर है, किसने खोज करी और क्या चीज़ है। चलो नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट कौन सा था, यहाँ देख लेते हैं, ये वाला कौन सा था, रोपड़ हो गया। अब बनवाली देख लेते, क्या देख लेते, बनवाली। बनवाली कहाँ पड़ता है, क्या क्या इसकी विशेषता है। पाँचवा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का, बनवाली। क्या नाम है, बनवाली। बनवाली किसके किनारे या किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी अपने को देखना है। तो बनवाली जो है वो किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के। किस नदी के किनारे, रंगोई नदी। वर्तमान की बात करें तो यह कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है ना। चलो इतनी आपको बातें याद रखना है, मेन मेन विषय इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी खोज किसने करी है, तो खोज भी बिल्कुल सिंपल है। खोज किसने करी है इसकी, तो रविंद्र सिंह ने करी। किसने करी है, रविंद्र सिंह ने। रविंद्र सिंह ने इसकी खोज करी। देखो रस्ते आप लोग याद रख सकते हो। अब देखो इसमें एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, कैसे, इसका नाम क्या है, बनवाली। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर वगैरह थे वो क्या है, सब बिल्कुल व्यवस्थित, वेल मतलब अच्छी प्लानिंग वगैरह, अच्छी नालियाँ वगैरह ढकी हुई थी, वेल नालियाँ मतलब ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर था, ठीक है ना, सड़कें वगैरह बहुत प्रॉपर थी। लेकिन यहाँ इसके नाम में बनवाली बनी हुई है ना। लेकिन यहाँ की एक मेन विशेषता है कि यहाँ की जो नालियाँ वगैरह थी वो इतने प्रॉपर वगैरह नहीं बनी थी। जैसे ज़्यादातर शहर थे, जितने भी शहर थे उनके शहरों के क्या थे कि नालियाँ वगैरह प्रॉपर ढकी हुई थी। लेकिन यहाँ की नालियाँ कैसी थी, तो खुली हुई थी। नालियाँ कैसी थी, कुछ नालियाँ क्या हुई थी, खुली हुई थी, ठीक है। और सड़कें कहीं कहीं, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी भी थी। क्या थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी भी थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी भी थी, ठीक है ना। तो बनवाली के बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है। क्या याद रखना है, बनवाली के बारे में आपको इतनी बातें याद। चलो इतना है, माइक चल रहा है, नेक्स्ट। इतनी बातें याद रखने के बाद नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे जो चलते हैं, ये हो गया अपना बनवाली। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है, नालियाँ वगैरह, और यहाँ पे क्या ड्रेनेज। अब नालियाँ खुली वगैरह रहेगी तो ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी का जो जल निकासी, या चलो जल निकासी लिख देते हैं ना, ताकि आपको ड्रेनेज का नहीं समझ में आए। तो जल निकासी प्रॉपर नहीं थी, जल निकासी प्रॉपर नहीं थी, ठीक है ना। जल निकासी क्या नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी। चलो नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखा था आप लोगों ने,
नेक्स्ट कौन सा था, ये फर्स्ट वाला देखते हैं। इसमें कौन सा देख लिया, हड़प्पा देख लिया है, चनहुदड़ो देख लिया है, मोहनजोदड़ो देख लिया है, रोपड़ देख लिया, बनवाली देख लिया।